27 फरवरी 2023। आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया है। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। सेकेंड क्वेश्चन है, रक्षा सचिव के रूप में किसे विस्तार दिया गया है? ऑप्शन ए अरमाने गिरिधर, ऑप्शन बी एस अब्दुल नज़ीर, ऑप्शन सी राजीव रॉय या ऑप्शन डी बी वी आर सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा अरमाने गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में विस्तार दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, कोल जनजाति महाकुंभ किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कोल जनजाति महाकुंभ ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को होने से रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने से रोकने के लिए गुजरात की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्षीय बालक प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। 7 वर्षीय बालक जो है प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक के भूटान देश के पहले डिजिटल नागरिक बने।